हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, हमने मोबाइल फोन से स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना, ताकि मोबाइल फोन से एक तो हमें इजी होता है वीडियो रिकॉर्ड करना, जैसे कि हर चीज दिखा सकते हैं। कैमरे में क्या होता है, कैमरे हम लोग ट्राइपोड पे लगा देते हैं तो फिक्स सिर्फ बोर्ड दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। अब जो हम लोग आज की वीडियो में जो हम टेस्ट करने वाले हैं, ये टेस्ट करने वाले हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं अपने ऑफिस के बाहर हूँ, ठीक है। ये अब इसके बाद में चलूंगा स्टूडियो में और देखते हैं कि मोबाइल फोन से जो आपके पैनल पे जो मोबाइल फोन से बहुत सारे टेक्निकल इशू आते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मैं बता दूं कि मोबाइल फोन से जब हम कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं डिजिटल बोर्ड पे तो वहां पे ना रिफ्लेक्शन आता है, फ्लैक्चुएट करता है बोर्ड, ठीक है ना। तो वो देखते हैं कि वो चीजें जो है इसमें इस फोन से आ रहा है कि नहीं, फिर आप लोगों को बताएंगे कि फोन में कैसा बताना क्या है। अगर रिफ्लेक्शन आया, अगर बोर्ड पे कोई भी इशू आ रहा है, जैसे कि कैमरे में नहीं आते हैं, अगर इस पे नहीं आया तो वो चीज आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। एक बार आइए स्टूडियो में और देखते हैं स्टूडियो का पैनल में ऑन करके। चलिए, यहाँ पे जो है ये कैमरा है, ट्राइपॉड पे लगा हुआ है। अब एक बार मैं इसको ऑन करके देख लूं, अब जो है किस टाइप का आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे भी पैनल ऑन हुआ है, ये हमारा न्यूलाइन का पैनल है। ऐसे कोई दिखाता नहीं है पैनल ऑन करते हुए, आज हमने ऑन करते हुए दिखाया कि हाँ ये न्यूलाइन का है। और ये जो है इसमें ओपीएस लगा हुआ है, ये पैनल एंड्रॉयड नहीं है, सिर्फ ओपीएस है। स्टार्टिंग से मेरा जो मैं इसी पैनल पे वीडियोस बनाता हूँ, सारे वीडियो चाहे वो किसी का भी हो, जितने भी वीडियोस जो हमारे देखते हैं स्टूडियो में वो मेरा इसी पे है। अदरवाइज अलग अलग ब्रांड जो लगे हुए हैं, वो मैक्सा, वीवोटा, एलजी, ये सब अलग अलग का वीडियो आपको वैसे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपीएस ओपन हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ना नोट थ्री में ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज करूंगा, एक बार इसको मैं टीचिंग मोड कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड पे क्लिक और यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ये वाले बैकग्राउंड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं चेंज करके देखता हूँ एक बार ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। लिखा हुआ है पेन का मैं कलर एक बार येलो कर लेता हूँ, ये वाला कलर मुझे ज्यादा बेटर लगता है। अब मैं कलर व्हाइट करता हूँ, ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ से थोड़ा सा ये वाला चेंज कर करके कि किस बैकग्राउंड पे क्या दिख रहा है, किस टाइप से, एक बार मैं भी टेस्ट ही कर रहा हूँ। मोबाइल फोन से मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं कंप्लीट कवर करके, देखते हैं कि इससे रिफ्लेक्शन आता है या नहीं, जो स्क्रीन फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो इतने सारे हमने कलर इस पे चेक कर लिया, ठीक है। तो जब इस वाले पे नहीं हो रहा है तो वो मुझे लगता है कि अगर जो भी है आप लोगों को दिखा कि कैसा है, आ रहा है नहीं आ रहा है तो मुझे भी पता नहीं है। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो देखूंगा रिकॉर्ड करके तब एग्जैक्ट चीजें, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट नहीं किया है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं। अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, फिर भी वीडियो अपलोड होगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा फिर भी अपलोड होगा। तो एक बार देखते हैं कि ये जो चीजें हैं अभी आपको दिखाया है कि इस पे रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है। बहुत सारे फोन जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करता ही करता है, वो स्क्रीन आपका हिलता रहेगा, ठीक है ना। वो उसको हम लोग फ्लिकर बोलते हैं, फ्लिकर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्लिकरिंग एक बार मैं नोट फाइव भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि फिर दोबारा पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाना कि नोट फाइव में वो फ्लिकर कर रहा है। तो नोट फाइव का ये रहा मेरा नोट फाइव, ये भी ये देख सकते हैं। इसके भी दो तीन बैकग्राउंड मैं चेंज कर लेता हूँ, एक बार कंप्लीट ब्लैक कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा ये वाले कलर करता हूँ। नोट फाइव में सबसे ज्यादा बेटर जो कलर है वो ब्लैक ही है, इसके अलावा तो कोई ढंग का नहीं है, बस ब्लैक है, आप ये चीजें ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं एग्जिट कर, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।